ग्वालियर में एक बार फिर बाइक सवार बदमाशों की एंट्री हुई है। बेखौफ लुटेरे एसएसपी ऑफिस के ठीक पीछे से बिजली कंपनी के एक रिटायर्ड इंजीनियर और उसकी पत्नी से पर्स लूट कर ले गए। पर्स में 2 लाख रुपए कैश, गहने के अलावा मोबाइल भी रखा था। वारदात मंगलवार शाम 4 बजे के लगभग एसएसपी ऑफिस के पीछे आदित्य स्कूल के सामने की है। वारदात के बाद रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी ने बदमाशों के पीछे दौड़ लगा दी, जिससे वह गिरकर घायल हो गई है। घटना के बाद दंपति पहले घर आए, फिर विश्वविद्यालय थाना पहुंचे हैं। पुलिस लगातार इस मामले को छुपाए हुए थी। बुधवार को घटना सामने आई है। पुलिस ने लुटेरों की तलाश कर रही है। शहर के सिटी सेंटर ग्रीन गार्डन डुप्लेक्स एनडी निवासी 66 वर्षीय कप्तान सिंह सोलंकी पुत्र भगवान सिंह सोलंकी बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर हैं। यहां वह पत्नी सुशीला के साथ रहते हैं। मंगलवार शाम 4 बजे के करीब वह अपने घर से पत्नी सुशीला के साथ पंजाब नेशनल बैंक के लिए निकले, क्योंकि उन्हें बैंक के लॉकर में 2 लाख रुपए, 1 सोने की चेन, 3 अंगूठी जमा करनी थी। वह और उनकी पत्नी अकेले ही रहते हैं, इसलिए वह घर में कैश व गहने नहीं रखते हैं। वह घर से निकलकर एसएसपी ऑफिस के ठीक पीछे अभी पटेल नगर स्थित आदित्य स्कूल के सामने पहुंचे ही थे कि तभी पीछे से आए बाइक सवार 2 लड़के उनके पास पहुंचे और झपट्टा मारकर उनकी पत्नी के हाथ से पर्स लूट ले गए। बाइक सवारों के झपट्टा मारते ही कप्तान सिंह की पत्नी ने बदमाशों का पीछा किया तो सुशीला देवी गिरकर घायल हो गई। वह पत्नी को संभालने में जुटे तो बदमाश भाग निकले। वारदात के शिकार दंपति ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। रिटायर्ड इंजीनियर कप्तान के मुताबिक बदमाशों की संख्या 2 थी। बाइक चलाने वाला बदमाश काली एवं सफेद रंग की जर्सी और जीन्स पैंट पहने हुए था। पैर में सफेद रंग की चप्पलें थी। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश जिसने झपट्टा मारा, उसने ब्लैक स्वेटर व जींस पहना हुआ था। पैर में हल्की मटमैली सी सफेद चप्पल पहने था। अब इस मामले में पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आदित्य कॉलेज या उसके आसपास बिल्डिंगों में लगे सीसीटीवी कैमरों में लुटेरों का कुछ न कुछ सुराग हाथ लग सकता है। सिंह सोलंकी फरियादी और उनकी पत्नी दोनों एजेड हैं, रिटायर्ड बिजली विभाग से इंजीनियर हैं। तो पैसे जमा करने वो एसबीआई की ब्रांच गए थे, किसी टेक्निकल कारण से पैसा जमा नहीं हो पाया, तो उन्होंने सोचा पीएनबी ब्रांच जाते हैं, पटेल नगर सिटी सेंटर की बात है। तो दोनों ही पैदल थे, उनकी बाइक जो है कंधे पे पर्स में पैसे रखे थे, उसे 2 आइटम ज्वेलरी के थे उनके, अंगूठी वगैरह। तो बाइक सवार 2 व्यक्ति पीछे से आया और झपट्टा मार के छीन के ले गए उनको बैग।